एक मिनट बात तो सुन लो। अरे बात, एक मिनट बात तो सुन लो। वैसे जोर है बीजेपी के, हरियाणा बीजेपी नहीं तो तीनों का चुनाव कार्यालय एक है क्या? नहीं अलग है, तो गुप्ता साहब का है शायद। तो फिर फोटो तीनों की कैसे? ओ मार्को भी नॉलेज ने पहले इन फार्म नहीं भरे थे, इसीलिए इनको पहले फोटो पहले से। ये मतलब अचानक बने, अचानक निर्दलीय से लड़ेंगे, जनता उम्मीदवार से लड़ेंगे लगा देंगे यहाँ पे ये किसका है चुनाव कार्यालय? ये कमल गुप्ता का। लेकिन यहाँ तो सावित्री जिंदल का फोटो भी है और गौतम सरदाना का भी। क्या ओपी जिंदल के? ये तो सतमा आसमान में इसकी फैक्ट्री है, इतने थे वो ये जीता है। नहीं, वो तो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं ना। अलग से लड़ रहे हैं, अलग से लड़ रहे हैं, तो उसमें वही पार्टी में वो है ना, ये अलग पार्टी में है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे रणजीत चौटाला को हिसार विधानसभा से बेहतरीन बढ़त मिली। अब विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार को कितनी बढ़त मिलती है? भाजपा के कई नेताओं के अलग रास्ता अख्तियार करने से ये सवाल बेहद पेचीदा हो रहा है। ये है हिसार का सुशीला भवन। यहाँ अनेक चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय संचालित होता है। इस विधानसभा चुनाव में भी यहाँ भाजपा का चुनावी कार्यालय है। यहाँ आने वाले और यहाँ से आवागमन करने वाले रोजाना हजारों लोगों की निगाहें गेट और दीवारों पर लगी नेताओं की तस्वीरों पर पड़ती है। अब देखिए ये तस्वीरें बोलती हुई दिखने लगी हैं। इसका कारण है भाजपा कार्यालय पर सजी तस्वीरों में दो महानुभाव। ये तस्वीर बेशक इस चुनावी कार्यालय के गेट पर मानो आगंतुकों के स्वागत में हो, परंतु चुनावी मैदान में भाजपा के ये दिग्गज नेता भाजपा उम्मीदवार के ही विरोध में उतर चुके हैं। इसके बावजूद उनकी तस्वीरें मानो भाजपा प्रत्याशी के साथ एकजुटता दिखा रही हों। इनमें एक ऐसी हस्ती जो देश की सबसे अमीर महिला और भाजपा सांसद की माता है, सावित्री जिंदल। इन्हें नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस की टिकट की आस रही। इससे पहले भाजपा की टिकट की भी पूरी उम्मीद थी, परंतु चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस से टिकट की मात खाने वाली इस सियासी शख्सियत ने अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। जीत का पर्याय माने जाने वाली सावित्री जिंदल के मैदान में उतरते ही समीकरण बदलने लगे हैं, परंतु चुनाव अभी बाकी है। अब बात करते हैं भाजपा की दूसरी ताकत जो भाजपा के विरोध में भाजपा के ही प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए और खुद को ताकतवर दिखाने को मैदान में है। ये हैं इसी चुनावी कार्यालय के जरिए भाजपा की इनायत से विजयी होकर हिसार के महापौर बने गौतम सरदाना। इनकी तस्वीर भी सुशीला भवन के मौजूदा भाजपा चुनाव कार्यालय पर सजी है, परंतु गौतम सरदाना खुद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के विरोध में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब इनका दिल दिमाग और शरीर सब भाजपा से परे है, परंतु तस्वीर भाजपा के चुनावी गलियारे की शोभा बढ़ा रही है। गौतम सरदाना को अपने समर्थकों की ताकत पर इस कदर भरोसा कि उन्हीं के कहने से चुनाव मैदान में है। कमल के फूल के पैरोकार रहे गौतम सरदाना भी टिकट न मिलने के कारण भाजपा से ऐसे खफा हुए कि चुनाव में देख लेने की चुनौती दे डाली है। एक और देश की सबसे धनी महिला कहे जाने वाली जिंदल घराने की शान और सियासत में नामचीन नाम रखने वाली सावित्री जिंदल को पहले भाजपा फिर कांग्रेस ने टिकट से महरूम कर दिया, तो दूसरी ओर हिसार के महापौर रहे गौतम सरदाना की उम्मीदवारी की उम्मीद भी भाजपा से गच्चा खा गई। अब बात करते हैं भाजपा घराने के ही
पार्टी संगठन में जिला उपाध्यक्ष रहे। वह इससे पहले कोषाध्यक्ष रहे तरुण जैन के। इन्हें भी भाजपा से टिकट मिलने की 100% आस थी। एकाएक डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट हासिल करने की हैट्रिक मानो तरुण जैन के पार्टी के प्रति समर्पण विश्वास और सेवा भाव को इस कदर ठेस पहुंचा गई कि भाजपा की टिकट पाए डॉक्टर कमल गुप्ता के विरोध में तरुण जैन सीना तान कर खड़े हैं। अब तरुण जैन भी चुनाव मैदान में है। एक और भाजपाई की बात न की जाए तो बात ही बेमानी होगी। ये साहब महापौर के कार्यकाल में नगर पार्षद रहे अमित ग्रोवर हैं। अपने वार्ड ही नहीं पूरे शहर की समस्याओं को लेकर चिंतित रहने वाले ये महानुभाव नगर निगम से ही महापौर के खिलाफ विद्रोह की आग में सुलगते रहे हैं। दोगे, जब आप ताकत दोगे इसी तरह गलियों में खड़े होके डीसी तक को वहां गलियों में खड़ा करने का काम करूंगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, 2008 से काम कर रहा हूं, गली गली में जाके काम कर रहा हूं। एमएलए बनने के बाद जब आप ये पावर दोगे, जब आप ताकत दोगे इसी तरह गलियों में खड़े होके डीसी तक को वहां गलियों में खड़ा करने का काम करूंगा। समस्याएं लोगों की और समाधान के लिए लड़ते हुए इन्होंने सरकार से बात मनवाने के लिए आखिरकार भाजपा में शामिल होना ही मुनासिब समझा। सो भाजपा ही हो गए। लोगों की समस्याएं पूरी करवाने में असमर्थ हुए तो भाजपा को नकार दिया। अब हिसार विधानसभा की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव मैदान में है। अब देखना यह कि लोकसभा चुनाव में एकजुट रहे ये 5 भाजपाई विधानसभा चुनाव में कौन सा गुल खिलाते हैं। पब्लिक है कि गले में लदी मालाओं से झुके जा रहे इन उम्मीदवारों को मुस्कुराहट के साथ सहयोग का भरोसा दिलाना सीख गए हैं। और नेता हैं कि जनता के बीच हिस्से के सबसे ज़्यादा वोट पाने के भरोसे में हैं। फिलहाल भाजपा की टिकट पर मैदान में उम्मीदवार के सामने अन्य दलों के अलावा कभी साथ रहे 4 भाजपाई भी प्रतिद्वंद्वी हैं। टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने, दूसरे दल से टिकट पाने और अपनी ही पार्टी के विरोध में उतरने वाले उम्मीदवारों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। Page@Noon चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।